माइनक्राफ्ट में हर एक मॉब की कुछ ना कुछ वीकनेस तो जरूर होती हैं, जिनमें से किने की तो तुम्हें भी पता होंगी। एग्जाम्पल, अगर हम स्केल्टन के ऊपर ना अगर ये ब्लॉक हटा दें तो ये जलने लग जाएगा। ऐसे स्केल्टन की वीकनेस क्या होगी? धूप, सूरज, क्योंकि माइनक्राफ्ट में न्यूटन्स के लॉ तो काम करते ही नहीं हैं। क्या कर सकते हैं, लॉजिक जिंदा है मर गया हो। और ऐसे ही अगर तुम्हें रवेजर, वो रेड वाला वीडियो इसी भारी भरकम मॉब से शुरू करते हैं, जिसमें पैरेट से लेकर एंडर ड्रैगन तक सबकी वीकनेस बताऊंगा, लेकिन ये पार्ट्स में होंगी, ठीक है। और तुम ये ही सोचो कि तुम ये सोच रहे हो कि इसकी कोई वीकनेस हो सकती है ब्रो। हाँ, इसकी वीकनेस नहीं है, इसकी वीकनेसेस है, इसकी एक से ज़्यादा वीकनेस है। पहला, अगर तुम इसके सामने ना बेरी का पौधा लगा दो तो ये उसके लिए वर्म होल है, मतलब उसके बाहर नहीं निकल सकता। और दूसरी, अगर तुम इसके सामने शील्ड लगा दो ना तो ये 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। दूसरा, स्केल्टन और स्ट्रे, धूप तो है लेकिन इनकी दूसरी वीकनेस है वुल्फ, मतलब अगर वुल्फ को हड्डी पसंद है और स्केल्टन खुद ब खुद हड्डी मानव है, ये देखो। तीसरा के लिए हमें जंगल बायोम में जाना पड़ेगा। पांडा, ये देखो, देखने में तो बहुत क्यूट लगते हैं लेकिन इसे घर में भी लेके जाते हैं लोग, पर लेकिन बारिश के समय ना क्या होता है कि ये डरते हैं थोड़ा, तो रोने लग जाते हैं ये। चौथा, पैरेट, पैरेट तो ये मिल गया चलो। कुकी, इसकी वीकनेस है कुकी, अगर तुम इसे कुकी खिलाओगे ना तो इसे पॉइजन लग जाएगा, तो इसे कभी भी कुकी मत खिलाना, नहीं तो ढूंढाम। सब्सक्राइब।